कमरे के किराए का इंतजाम भी हो गया, 200 रुपए कमरे के किराए के चले जाएंगे और जो बाकी पैसे हैं उनका मैं दस्तरखान और बर्तन वगैरह खरीद लूंगा। और हाँ, कल इफ्तार हो गई थी फैज? हाँ मालिक, इफ्तार हो गया था। अच्छा यार, एक बात बताओ। हाँ मालिक बताओ। तुम इतने सालों से मेरे पास हो जी, लेकिन आज तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा घर है कहाँ। मालिक अपना कोई ठिकाना नहीं है। जब मैं गांव से आया था ना मालिक, तो यहाँ मेरे पास कुछ नहीं था। अच्छा, लेकिन अब रहते कहाँ हो? मालिक अब ईदगाह है ना। हाँ है, उसका कुछ हिस्सा है जिस पर लिंटर डला हुआ है, बरामदा, तो मैं वहाँ अपने छोटे भाई के साथ रात गुजार लेता हूँ मालिक। तो मतलब तुम्हारा कोई घर नहीं मालिक, कोई घर वर नहीं है मालिक। अच्छा, आपके होते हो क्या टेंशन लेनी, और आज घर जल्दी चले जाना। अरे मालिक, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? अरे नहीं यार, तुम फिर, अरे मजाक करता हूँ मालिक। आपको मीटिंग में भी तो जाना था। मीटिंग में मैं खुद चला जाऊँगा, आप कार पार्क कर दीजिए यहाँ और आप घर चले जाइए। ठीक है मालिक, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा के चला जाता हूँ। आपके वैसे ही रमज़ान चल रहे हैं, आपको इफ्तारी भी लानी होगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खुद चला जाऊँगा। ओके, चलो तो मैं फिर चलता हूँ। अरे फैज ने घर तो इसी जगह पे बताया था अपना, यहाँ तो कोई है भी नहीं और साथ में इफ्तारी का टाइम ऊपर से होने वाला है, क्या करूँ। या अल्लाह, काफ़ी दिनों से मैं रोज़ा पानी से इफ्तार रहा था, आज मालिक ने पैसे दिए हैं, आज कुछ सामान लाऊंगा और रोज़ा इफ्तार लूंगा।
अरे मालिक, आज आप मेरे घर इफ्तार के टाइम? इफ्तार के टाइम नहीं फैज मियाँ, इफ्तारी करेंगे साथ में। ये देखिए इफ्तारी भी लाए हैं। जी जरूर बर्तन में करिए क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला है। ठीक है मालिक, मैं बर्तन ले लेता हूँ। Oh, my God.